हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जा रहे हैं हम अपनी फ्रेंड की हल्दी में। लुक लग रहा है मेरा हल्दी वाला। हाँ, लग तो रहा है यार। रास्ता भूल गए, भटक गए हैं। प्रातःकाल सुबह 8 बजे। दोपहर 12 बजे। शाम 5। फाइनली मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी हूँ, पिकअप पॉइंट पे। और यहाँ से अंदर मुझे फ्रेंड की बहन है, छोटी सिस्टर, वो आएगी। अब देखती हूँ मुझे कोई येलो लड़की दिख जाए, नहीं सॉरी, येलो ड्रेस में लड़की दिख जाए। तो ये रही उसकी छोटी बहन, बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। तो कंफ्यूज मत होना, ये ब्राइडल नहीं है। अब वो सोचे कि वो क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग करते हैं। तो यहाँ पर उसकी भी फ्रेंड आने वाली है और उसका भाई। तो भाई मैडम तो पिंक गुलाब बनकर आई हैं और भाई येलो। हम लोगों ने येलो थीम के साथ मेहंदी है, तो वही हल्दी है तो येलो ही पहनेंगे। सॉरी, मेहंदी का फंक्शन हमारा शाम का था, बट किसी रीजन की वजह से हम कल करेंगे, क्योंकि लगन में जो निकला है वो कल का निकला है। तो यहाँ पे हमारी ब्राइडल का शुभ मुहूर्त जो हल्दी लगने का था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम लेट पहुँचे थे, सारे के सारे रास्ते भटक रहे थे। यहाँ वो फ़ोटोशूट पे लगे हुए थे और हमने कहा चलो भाई मैं भी थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ, इसलिए डांट ना खानी पड़े। डांट तो फिर भी खानी पड़ेगी, यहाँ मेरा और उसका फ़ोटोशूट हो रहा है। हम फ्रेंड्स ऑलरेडी लेट पहुँचे थे, क्योंकि हमें नाचने और खाने का ही मतलब होता है शादी में। पर हमने कहा चलो भाई ये सगन भी पूरा कर देते, क्योंकि ये हमारी दोस्त बैठी हुई थी हमारे इंतज़ार में। इसके लिए भाई थैंक यू, क्योंकि मेहंदी लगने के बाद इतनी देर तक नहीं बताते, पर फिर भी इसे कहा नहीं दोस्तों को आने दें। यहाँ पर मेरी बारी आती है, मैंने कहा चलो बच्चों को पहले लगा देती हूँ, मैं लगा देती हूँ बाद में। अब ये कहीं मुझे ना लगा दे, बट ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि ये बिना इसको मानने की नहीं, हमारी एक्साइटेड ब्राइडल है। तो यहाँ पर हमने कहा चलो कुछ फ़ोटो सेशन भी करा लें, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र भैया आए हुए थे और शाम को हल्दी का प्रोग्राम था, बट पंडित के हिसाब से कल का रखा जाएगा, तो हमारा कल का मेहंदी का फंक्शन होगा, आज का नहीं। तो फिर से इसको वही वाला क्रेज आया। पर भाई हल्दी लगा रहे हैं, भाई अच्छा है, लेकिन हमारी ब्राइडल थोड़ा सा इमोशनल थी, बट वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि हल्दी हमने इतनी लगा दी है कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हमने ब्राइडल का डांस करते हुए आजा। और ब्राइडल की बहन तो बहुत एक्साइटेड थी, नाच नाच के आज उसने फ्लोर ही तोड़ देना है, बट कोई ऑडियंस को कोई मज़ा नहीं आ रहा। पीछे पेड़ी ऑडियंस तालियां नहीं मार रही है, वो सोच रही कि अब ऑडियंस तालियां मारेगी अब, बट ऑडियंस को कोई मज़ा नहीं। फिर आई दुल्हन की फ्रेंड की बारी, और दुल्हन की फ्रेंड ने बहुत सारा डांस किया पेप्सी की लालच में, बट उसको लगता रहा वो डांस पे नाचती रही, ऑडियंस पीछे देखकर तालियां मारती रही, कुछ ऑडियंस इधर उधर घूमती रही, बट किसी ने उसको ये नहीं कहा कि बस थक गए बेटा पेप्सी पी लो। और ऑडियंस ने खूब गोल 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 घूमा, मेरा दिल ये पुकारे आजा आजा, पर किसी ने वो पेप्सी नहीं पिलाई मुझे। और डांस यहाँ पर आती है बहुत सारी मस्ती, छोटी सिस्टर की बारी। यहाँ पे ये डांस इनका अलग ही है, सी डोंट नो मूव सॉन्ग है, उसके गाना करती है, डांस अच्छा करती है काफ़ी। इसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगी, बट अभी मतलब क्योंकि बहुत सारा है। और यहाँ पर हमारा वो ग्रुप डांस जहाँ पर मैंने ऑलरेडी यूज कर ली थी, और जितनी के डर की वजह से बस मैं थोड़ा थोड़ा ही चीचला जवाब तेरा कोई ना जवाब, चीचला जवाब तेरा कोई ना जवाब, मुझसे इंडिया का तन्ने दे दी किताब। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि भाई चलो मेरा दिल ये पुकारे तो डांस करते हैं, बट डांस तो दूर की बात है, यहाँ हमारे में जो ख़राब करने वाला होता है ये डांस यहीं पर ख़राब हो जाता है। तो थोड़ी देर जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।